10 साल का इंतजार खत्म। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड से पूरा किया अपना बदला। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय टीम तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच खेला गया। गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बाजी मारी। इस मैच में भारतीय टीम ने एक तरफा जीत हासिल की। बता दें, टीम इंडिया ने 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले 2014 T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल कर पहुंची थी। इस बार फाइनल में भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। टीम इंडिया इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए। इस दौरान रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर 57 रन बनाए। इस पारी में रोहित ने 6 चौके और 2 छक्के जड़े। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों पर 47 रनों का योगदान दिया। हार्दिक पांड्या ने भी 13 गेंदों पर 23 रन बनाए। वहीं रविंद्र जडेजा ने नाबाद 17 रन की पारी खेली तो अक्षर पटेल ने भी 10 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय बल्लेबाज बाजों के गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया और मुकाबले को अपनी झोली में कर लिया। इंग्लैंड की टीम 172 रन के जवाब में 103 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव इस मैच में भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे। इन दोनों ही गेंदबाजों को 3-3 सफलता मिली। वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी 1 विकेट अपने नाम किया। दूसरी ओर इंग्लैंड के हैरी ब्रुक्स ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए। जोस बटलर ने भी 23 रन बनाए। बता दें, इससे पहले 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी। तब इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को हराया था। उस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड ने इस टारगेट को बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार भारतीय टीम ने एक तरफा अंदाज में जीत हासिल करके अपना बदला पूरा कर लिया है। टीम इंडिया को आप किस प्रकार से बधाई देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।